हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कर्नाटक की बहुत ही फेमस रेसिपी सूजला, जो कि बहुत टेस्टी बनती है और बहुत ही झटपट बन जाती है। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर रेसिपी आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं हम लोग। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक बाउल, मैंने यहाँ पर लिया है मुरमुरे। तो आप मुरमुरे कोई से भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, वाइट वाला, ब्राउन वाला, कोई भी ले सकते हैं। इसमें हम डालेंगे पानी और मुरमुरों को अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे हाथ से, ताकि जो भी इसमें गंदगी होती है ना, वो पानी में निकल जाएगी। तो अच्छे से मुरमुरे को आपको हाथ से साफ़ कर लेना है, और पानी में हमारे जो मुरमुरे हैं वो सॉफ्ट भी हो जाएंगे। पहले हम मुरमुरों को अच्छे से हाथ से साफ़ कर लेंगे। अब हमें एक बाउल लेना है, उसमें अच्छे से मुरमुरे को निकाल कर हाथ से निचोड़ कर हमें दूसरे बाउल में इसको रख लेना है, और पानी को हमें अलग कर देना है, बिल्कुल इस तरीके से। तो निचोड़ निचोड़ के सारे मुरमुरे को आपको यहाँ एक बाउल में निकाल लेना है और पानी को अलग कर देना है। अब हम चढ़ाएंगे कढ़ाई, इसमें डालेंगे हम मस्टर्ड ऑयल। आपको जो भी ऑयल पसंद हो, या आप जो भी ऑयल खाते हो, आप उस ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दो मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिसको मैंने छोटे छोटे साइज़ में कट कर लिया है। आलू को हम अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से पक ना जाए और क्रिस्प ना हो जाए, तब तक हम आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब हमारे आलू अच्छे से गोल्डन और क्रिस्प हो जाएंगे, पक जाएंगे, तो आप इनको चेक करके निकाल लें बाहर। तो आलू हमारे पक चुके हैं, हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। आलू को निकालने के बाद इसमें हम डालेंगे मूंगफली, इसको भी हम हल्का सा भून लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, ताकि मूंगफली हमारी जल जाएगी, इसलिए हमें थोड़ा सा इसको भूनना है कि बस इतना ये कुक हो जाए अच्छे से बस। तो मूंगफली को भी हम यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर डालेंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून राई और हाफ़ टी स्पून हींग। सभी को अच्छे से कुक हो जाने दें। अब डालेंगे एक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, एक बारीक कटा हुआ प्याज मीडियम साइज़ का, प्याज को अच्छे से सुनहरा होने तक भून लें, जब तक कि वो अच्छे से लाल ना हो जाए। कटे हुए टमाटर, एक मीडियम साइज़ का मैंने यहाँ पे टमाटर कट किया था, उसे भी हम इसमें डाल देंगे, और इसको भी सॉफ्ट होने तक अच्छे से पका लेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, एक यहाँ पे मैगी मसाला है मैजिक का पैकेट, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। सभी को अच्छे से मिक्स कर लें, और टमाटर हमारे यहाँ पे थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, तो बस अब हमने जो मुरमुरा लिया है उसको हम डाल देंगे इसमें। मुरमुरे भी हमारे एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। सभी को अच्छे से मिक्स कर लें। और 2 मिनट तक अच्छे से मसाले में मिक्स करके मुरमुरे को अच्छे से मसाले के साथ फ्राई कर लें, जब तक कि मसाला अच्छे से मुरमुरे में मिक्स ना हो जाए। तब तक आपको इस तरह इसको चलाते रहना है। अब हमने यहाँ पे जो आलू और मूंगफली ली थी ना, इसको भी हम इसमें मिला देंगे। और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू और मूंगफली सभी को हमने यहाँ पे मुरमुरे में मिक्स कर लेना है, और ऊपर से डालेंगे हम लेमन। इससे हमारा जो नाश्ता है वो बहुत टेस्टी बनेगा। तो बस अब सभी लेमन जूस को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मुरमुरे में। तो हमारा ये नाश्ता बन के तैयार है। ऊपर से डालेंगे हरा धनिया। तो हमारा ये सूजला बन के तैयार हो गया है, खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। चलिए आइए इसको सर्व कर लेते हैं प्लेट में। तो हमने इसको एक प्लेट में सर्व कर लिया। आप देख पा रहे हैं कितनी मज़ेदार रेसिपी, और खाने में बिल्कुल तीखा, चटपटा, स्पाइसी, बहुत मज़ेदार है। अगर रेसिपी अच्छी लगती हो
तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम यूट्यूब एंड फेसबुक पे। प्लीज़ ट्राई करिए, मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।